आज के वीडियो में मैं आपको टॉयलेट के टोटके बता रही हूँ। बहुत से टोटके ऐसे होते हैं जो टॉयलेट में ही किए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर उमा चरी, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे, परमात्मा सदैव आपका कल्याण करे। अभी दिवाली ऑफर कंटिन्यू चल रहा है, तो दो सवाल पूछिए मात्र 1500 रुपये में। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के थ्रू हमसे संपर्क करिए। एक छोटी सी सलाह आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। अगर आप यूट्यूबर हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको ये योग ही नहीं है, तो हम स्पष्ट आपको बता देंगे कि आप इस लाइन में मत जाइए, कोई और ही लाइन पकड़िए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं टॉयलेट के टोटके। यदि कोई आपको गुप्त शत्रु बहुत समय से परेशान कर रहा है, या ओपनली कोई शत्रु है जो आपको सता रहा है, या कोई भी आपको हर्ट कर रहा है, उसका नाम सफ़ेद कागज पर लाल पेन से लिखिए। उस पर 7 बार क्रॉस लगाइए। उस कागज को जाकर टॉयलेट में बर्न करके फ्लश कर दीजिए, वो व्यक्ति आपको सताना छोड़ देगा। इसके अलावा यदि किसी ने आपका पैसा खा लिया है, तो आप काली स्याही से उसका नाम लिखिए, और इसके बाद ये भी लिखिए कि उस व्यक्ति ने आपको आपका पैसा दे दिया है। ऐसा करने के बाद उस कागज़ को भी आप बर्न कर दीजिए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगेगा। अगर ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिल रही है, तो अपने टॉयलेट में नमक और फिटकरी मिक्स करके एक कांच के बाउल में रखिए, हर हफ्ते उसको बदल दीजिए। ऐसा करने से आपके काम बनने लगेंगे। टॉयलेट में आप जब भी जाएं, तो आप हमेशा 1 मिनट के लिए आंखें बंद करें, और आंखें बंद करके उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए जो आपकी परेशानी की बहुत बड़ी वजह है। तो ऐसा कहा जाता है कि वो परेशानी आपकी दूर होने लगती है। टॉयलेट में कभी भी पॉजिटिव और अच्छे लोगों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। टॉयलेट में उन लोगों के बारे में सोचिए जो आपकी परेशानी की वजह है, तो वो परेशानी धीरे धीरे दूर होने लगती है। इसके अलावा यदि कोई शत्रु आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है, तो जिस समय आप टॉयलेट सीट पर बैठे हैं, उस समय उस शत्रु के मानसिक जो शक्ल है, उसका स्मरण करिए और उसके बाद में फ्लश कर दीजिए। तो ऐसा करने से भी वो शत्रु आपको सताना छोड़ देता है। टॉयलेट के हाथ धोते समय भी आप कोई भी परेशानी है, उस परेशानी के बारे में सोचिए और फिर हाथ धोइए, तो वो परेशानी आपकी दूर होने लगती है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य ही बताइएगा।